तांडाबरूड थाना क्षेत्र के ग्राम सिंखेड़ा में युवक दीपक उर्फ लालू पिता राम सिंह उम्र 29 वर्ष ने अपने घर पर साड़ी के फंदे से फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर पंचनामा बनाकर लाश को अपने कब्जे में लेकर पीएम करवाकर लाश को परिवार के सुपुर्द किया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। वहीं मृतक के काका गुलाब सिंह पिता छगन द्वारा बताया गया कि मैं खरगोन रहता हूं। मुझे सिंखेड़ा गांव से परिवार के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मेरे भतीजे दीपक ने साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना मिलते ही मैं ग्राम सिंखेड़ा घर पहुंचा और मेरे द्वारा पुलिस थाने पर सूचना दी गई। बरोड़ से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, क्या मामला था, क्या कारण रहा? मुझे कारण के मामले में कुछ पता नहीं, पर मेरे को 7:30 बजे सुबह फोन आया। उनके यहाँ पत्नी ने ही फोन लगाया था कि अंकल जी जल्दी से आ जाइए, उनने कुछ ये लटके हुए दिख रहे हैं। और मैं तो खरगोन रहता हूँ और मैं वैसे ही मेरे मिसेस को लेके सिंखेड़ा आया, तो जब तक इनने उसे फंदे से निकाल के मोहल्ले वालों ने पलंग पे लिटा दिया था। फिर मैंने इनसे बोला कि भाई थाने पे सूचना की कि नहीं, तो इनने बोला कि नहीं की, तो बोले कि हम तुम्हारा रास्ता देख रहे थे। तो मैं फिर इनको गांव के 4-6 लोगों को लेके थाने पर आया और सूचना दी, FIR दर्ज की और PM के लिए अभी बरोड़ PM हाउस में आया हूँ। क्या नाम है मृतक का? दीपक बालके। मृतक के आप क्या लगते हो? काका। आपका क्या नाम? गुलाब सिंह बालके। ये सिंखेड़ा में फांसी के फंदे पर झूल के एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, क्या मामला था सर? आज सिंखेड़ा में एक फांसी की सूचना प्राप्त हुई, फांसी लगाने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर जाकर वहां देखा गया। सूचनाकर्ता है गुलाब सिंह पिता छगन सिंह बालके की सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। मृतक का नाम है दीपक पिता राम सिंह बालके, जाति भिलाला, उम्र 29 वर्ष, निवासी सिंखेड़ा ने अपने घर के आड़े से फांसी लगाकर अज्ञात कारण से आत्महत्या कर ली है। मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है और शव को पंचनामा बनाकर CSC बरूड़ PM हेतु भेजा गया है। क्या नाम है सर आपका? प्रधान आरक्षक राजेंद्र सिंह, 327 थाना बरूड़। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।